ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, प्रेस क्लब में आपका स्वागत है। मैं हूं मारूफ रजा। हर हफ्ते की तरह इस बार भी मेरे साथ एक नहीं दो शख्सियत मौजूद है। जी हाँ, वो दो शख्सियत एक कांग्रेस में, एक आरजेडी में, लेकिन फिर भी एक छत के नीचे रहते हैं, पार्लियामेंट नहीं रखता। बात जरूर होती है, बहस जरूर होती है, लेकिन किसी मुद्दे पर पहुंचते हैं और नतीजे पर भी पहुंचते हैं। लोकतंत्र पूरा है और लोकतंत्र कैसा है और कैसा तालमेल है, उस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद है राजेश रंजन और पप्पू यादव और उनकी धर्मपत्नी रंजीता रंजन और रंजीत रंजन। आप दोनों का स्वागत है। पहला सवाल, आप आरजेडी में, आप कांग्रेस में, क्या वाकई जो बहस संसद में देखने को मिलती है घर में भी ऐसा माहौल है? सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था की भूमिका जो रही है बरसों से, उस व्यवस्था को अलग अलग रास्ते से दोनों व्यक्ति एक ही दृष्टि से देखते हैं कि इस व्यवस्था से आम आदमी को कैसे फायदा पहुँचे। और हमने देखा, जब हम आपके घर पे भी आए तो बहुत सारे आम आदमी दिखाई दिए, और यूँ माना जाता है, कहा भी जाता है कि पप्पू यादव साहब के यहाँ पर 200-250 लोगों का खाना पीना रहना और उनका इलाज सब कुछ उनके ज़िम्मे है। वो आप खुद देख लीजिएगा, जब हम किसी कारणवश ना भी थे, कुछ राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक कारण, जब हम दोनों बीच में जनप्रतिनिधि ही नहीं भी थे, तब भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे, मानवीय दृष्टिकोण से बड़ी बाखूबी निभाते थे। आज भी यहाँ भी देश भर के कोई क्षेत्र नहीं, कोई कास्ट नहीं, क्रीत नहीं, कुछ भी मेरे यहाँ नहीं पूछा जाता है, ना सत्ता ना वोट, बस जरूरतमंद लोग। पटना में भी इससे ज्यादा, दिल्ली में भी इतने ही लोग, और एक परिवार की तरह जी। हम दोनों कंप्लीट मदर रेस्पेक्ट, मदर लविंग एटीट्यूड के तहत हृदय से पेन लेते हैं और उसके लिए जीते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रंजीता जी, विचारधारा अलग है कांग्रेस की बिल्कुल, हालांकि अब आरजेडी से निष्कासित है, लेकिन कहीं ना कहीं वो विचारधारा रही है। क्या कभी किसी मुद्दे को लेकर के घर में भी उस पर विचारों पर आदान प्रदान होता है, तो क्या अलग अलग राय होती है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि पप्पू यादव आपके पति हैं तो उनकी बात आप मान लेती हैं? ये मैं आप लोग पे छोड़ती हूँ, जो हम लोग की परफॉर्मेंस है और जो 2004 में भी थी जी, ये मीडिया तय करे कि क्या आपको लगता है जब मैं पार्लियामेंट में बोल रही होती तो ये बगल में मुझे समझा रहे होते हैं। मेरी पार्टी अलग है, इनकी पार्टी अलग है जी। तो निश्चित तौर से बहुत सारी बातें इनको मेरी नहीं अच्छी लगती है, मुझे इनकी नहीं अच्छी लगती है जी। तो ये है कि गर्मा गर्मी नहीं होती है, गर्मा गर्मी हम लोग एक दूसरे को कहते हैं, क्योंकि वहाँ स्पीकर भी नहीं होता है कि आपको चुप कराए, इसलिए आप लोगों को खुद ही समझौता कर लेना पड़ता है। लेकिन आपने अलग पार्टी चुनी, क्यों ना आपने जो जैप जो बनाई थी पप्पू जी की, जो जैप है उसको मिल करके उसको और आगे बढ़िया तरीके से चलाते, क्यों कांग्रेस ही चुना आपने? देखिए, जिस टाइम मैंने कांग्रेस ज्वाइन की 2004 में, मैं एमपी बनी एलजेपी से जी। और 5 साल जो मैंने पॉलिटिकल सिनेरियो देखा, और फिर जब मुझे लगा कि मुझे लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करनी है, तो मैं मनमोहन सिंह जी से, मैडम सोनिया जी से अच्छे इंस्पायर हुई। और जो सिनेरियो है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ ये है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करनी है तो ऐसी पार्टी में, एज पर माई ओपिनियन, कि लगे कि मैं इस लीडर के नीचे हूँ और उस पार्टी की आइडियोलॉजी है जी। तो मुझे अच्छा लग रहा था और मैडम भी चाहते थे कि मैं पार्टी में आऊँ, तो हम दोनों ने डिस्कस किया और मैंने उनको बोला कि मेरा मन है। इनका जो आप कह रहे हो जैप अब बना जी। और ये एक्चुअली में इनकी पॉलिटिक्स बचपन से शुरू हुई, उस स्ट्रगल को देखते हुए शुरू हुई, बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई लड़ते हुए शुरू हुई,
और मेरी आफ्टर मैरिज हुई। बिहार इलेक्शन में मैं खुद भी मौजूद था और जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि अगर नीतीश बाबू और लालू जी आएंगे तो गुंडा राज पार्ट टू शुरू हो जाएगा, क्यों लगता था? अब तो सुशासन बाबू की सरकार आ गई तो क्या गुंडा राज पार्ट टू है, खत्म हो गया है? अब देखिएगा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबी में आपको कोई जिला आएगा तो है किशनगंज, वो है कटिहार, वो है सुपौल, वो है अररिया, ये जो, और खास तौर पर भी जी आर्सेनिक पानी, आयरन, सबसे ज्यादा कैंसर, दमा, टीबी बीमारों से स्थिति। बिहार को हमेशा पॉलिटिकल सॉल्यूशन इस्तेमाल किया गया, बिहार की सामाजिक न्याय की स्थिति पर हमेशा, और इस हिंदुस्तान की राजनीति कभी आजादी पर हुई, कभी टूर हो गया राहुल जी, राजीव जी, कभी मंदिर पर, कभी मंडल पर, कभी कमंडल पर, कभी सामाजिक न्याय पर। तो बिहार की स्थिति आप जान लीजिए। लेकिन पप्पू जी, मुद्दे बेशुमार है जो आपने गुनाए, इसके अलावा भी बहुत है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का जो एग्जिस्टेंस है वो अपनी जगह है। चुनाव हर 5 साल में आते हैं, जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं वो किसी भी के पास, किसी पार्टी के पास, किसी नेता के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं कि उसने घुमाई और ठीक हो जाएगा। ये सिस्टम कैसे ठीक होगा भैया? 170 साल हो गए ना जी, 70 सालों से बेईमानी मिटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, गरीबी खत्म करो नारा, किसान समृद्ध करो नारा, एजुकेशन कॉमन एंड कंपलसरी। देखिए ना, 1911 से डॉक्टर गोपाल गोखले कृष्ण और महात्मा फुले की वो लाइन कि कम एजुकेशन निजी और अन लोगों के हाथ में ना जाए, हेल्थ निजी लोगों के हाथ में ना जाए। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान का एजुकेशन और हेल्थ पूंजीपतियों, माफिया और निजी लोगों के हाथ में, ठीक है। आज आप इसको यह कह सकते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा माफिया का तंत्र हब ये दोनों चीजों से बनी। लेकिन इन समस्याओं का समाधान क्या है? समस्याएं आपने गिनाई, लोग त्रस्त भी हैं, सारी चीजें सामने हैं, अच्छे दिन के जुमले, बहुत सारे नारे, हर इलेक्शन में एक नया नारा आता है, लेकिन इन समस्याओं का समाधान मैं एक बात है? मैं एक बात आपको बोलूं कि राजनीतिज्ञों की इच्छा शक्ति, मैंने कल कहा कि जापान और कोरिया में मजदूर को देवता कहा जाता है, ठीक है, और हिंदुस्तान में पूंजीपतियों और कॉरपोरेट को देवता कहा जाता है। तो शराबबंदी की नीति से आप सहमत नहीं हैं? क्या वो कामयाब? मैं शराब की लड़ाई, बंद की लड़ाई नहीं लड़ता था, मेरी ही लड़ाई है, लेकिन आप जिस तरीके से उसको आज एक कानून बना करके, काला कानून, आप जबरदस्ती, आप कह रहे हो जिसके पंचायत में पकड़ाएगा जुर्माना होगा, खाने के लिए पैसे नहीं है, बीपीएल परिवार है, 5,000 रुपया देंगे, आप कह रहे हो कि हर घर की औरतें, माँ बहन सब जेल जाएगी, आप कह रहे हो कि थानेदार खत्म हो जाएंगे, नहीं नहीं खत्म हो जाएंगे, उस पर लगेगी। आप जिस तरीके से बात कर रहे हो, आप एक चीज पर जाके कंसर्न होंगे, बिहार की स्थिति आज, वहां के दलितों की स्थिति आज, वहाँ की ओबीसी की स्थिति आज, वहाँ की सबसे बड़ा बेसिक मुद्दा क्या है, मजदूरों का पलायन, किसानों की स्थिति बदतर, ठीक है, एजुकेशन का समाप्त, हेल्थ का समाप्त, स्टूडेंट का पलायन बाहर। आप ये कहना चाह रहे हैं शराबबंदी की नीति जो है, जिस तरीके से उसको लागू किया जा रहा है उसका तरीका ठीक नहीं है भैया, वो उतावलापन है, एकदम दुनिया में लग रहा है कि हम क्रांति कर दें। क्रांति एक ऐसी चीजों से नहीं होती है, क्रांति आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को बदलने के बाद ही होगी। लेकिन नीतीश बाबू को तो प्रधानमंत्री के, भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पे देखा जा रहा है और इसी तरीके से वो अपने आप को प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। देखिए मैं एक बात आपको बताऊं, कौन देख रहा है मुझे नहीं पता, सपना हर लोगों को देखना चाहिए, नीतीश जी देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, देखना चाहिए। अभी आंकड़े आए हैं केंद्रीय सांख्यिकी विभाग के बिहार का जो विकास दर है वो घट रहा है, जबकि नीतीश बाबू कह रहे हैं ये फर्जी आंकड़े। चलिए नीतीश जी को जब यही सांख्यिकी आंकड़े अवार्ड दे रहे थे तो कह रहे थे देखो ये राजनीतिज्ञों का एक अपना मूड है, अगर सर्वे उनके फेवर में हो तो वो अच्छा कहते हैं और सर्वे उनके फेवर में ना हो तो कहते हैं। बहरहाल अब जरा उत्तर प्रदेश पे आ जाते हैं, कांग्रेस पूरा जोर मार रही है रंजीता जी उत्तर प्रदेश में, शीला दीक्षित जी को यहाँ से
उत्तर प्रदेश में सीएम कैंडिडेट के तौर पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्या भविष्य देख रही है, किस रणनीति के पिछले करीब 27 सालों से कांग्रेस जो है अपना वजूद तलाश कर रही है। देखिए यही हाल पहले बिहार में था हम लोग का, 25 साल से कांग्रेस की जमीन नहीं थी जी। और हम लोग मोदी के वे में दो एमपी जीत कर आए और अब 28 एमएलए हैं। तो अभी जो हम लोगों को पैकेज मिला है और शीला दीक्षित जी को भेजा गया, राज बब्बर जी को भेजा गया, संजय जी को भेजा गया, मेरे ख्याल से एक जो ये चल रहा था कि गुटबाजी है उसको मेरे ख्याल से 95% तक तोड़ दिया गया। अच्छा। और जो मैडम अभी प्रधानमंत्री के क्षेत्र में जाकर और जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर 4 घंटे लगातार रोड शो किया और लाखों की संख्या में जिस तरह से लोग थे, और यूपी और बिहार को आप कास्ट से अलग नहीं कर सकते, तो उसमें जो रिस्पांस कांग्रेस को मिल रहा है और जिस तरह की हरकतें आप चाहे समाजवादी पार्टी की कहें या मायावती जी की कहें और जो चल रही है इंक्लूडिंग बीजेपी, जो उनका चाहे धर्म परिवर्तन हो, लव जिहाद हो, उसके बाद अब गाय का टेरर है और जिस तरह से अब दलित को मुस्लिम को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अब आप एग्जांपल ले सकते हैं दिल्ली का कि आज की तारीख में सर्वे कहता है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो कांग्रेस बैक करेगी। ऐसा ही कुछ हम लोग को एहसास होता है कि हमारे साथ यूपी में बहुत अच्छे रिजल्ट कांग्रेस के लिए आ सकते हैं। केजरीवाल ने खुद वहां पर मोदी जी के गढ़ में जाकर के चुनौती दी और उनको हार का मुंह देखना पड़ा। देखिए मैं कहूंगी कि ये बदनसीबी है हमारे पूरे देश की कि केजरीवाल जैसे लोगों को बहुत, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिशियन लोगों को फूल बनाते हैं भाषण जब चुनाव होता है, लेकिन मेरे ख्याल से एटलीस्ट वो 60% 50% इम्प्लीमेंट करते हैं। होता ये है कि हम ये भी कर देंगे, रोजगार देंगे, अगर आपने 100 को बोला तो एटलीस्ट 20 को 25 को देते हैं। लेकिन केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली में आपने देखा कि एक मुख्यमंत्री या धरने पे बैठता है, मैं बिजली के बिल हाफ कर दूंगा, मैं पानी का बिल हाफ कर दूंगा, जिस तरह से उन्होंने जितनी चीजें बोली और जो हालात आज दिल्ली के हुए हैं, आप किसी एक आम व्यक्ति से, इवन जो टेम्पो वाला है जो उनका मेन वोटर था जी, आप उससे पूछ लो तो आपको वो मेरे ख्याल से जो डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड के साथ वो केजरीवाल जी की बातें करेगा, तो मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद होगा कि आगे भी उनकी बात को सुना। लेकिन अजीत जी, जिस तरीके से कांग्रेस में नेताओं का, विधायकों का पलायन हो रहा है, तो कुंभा कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में बढ़ नहीं रहा, चेहरे आपने नए जरूर उतार दिए। आप पलायन की बात करते हो, ये कहते हैं ये बरसात होती है इलेक्शन में, और अगर आप कांग्रेस के पलायन की बात करो, उधर बीजेपी से भी आ रहे, उधर सपा से भी आ रहे, ये वैसे लोग होते हैं जो बरसाती मेढक की तरह, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, चुनाव आया तो उनको जो सूट कर रहा होगा, बड़ी बारी होता है कि आपके पार्टी से टिकट नहीं मिल रही है, हम उससे बेस्ट को दे रहे हैं, तो आप एज अ धमकी के रूप में उधर चले गए। सेम चीजें बीजेपी में, सेम चीजें सपा में, तो इसको हम लोग अपनी पार्टी के डाउनफॉल से नहीं जोड़ सकते जी। समय भी ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोनों सांसदों से पूछेंगे कि सदन चल रहा है, प्रधानमंत्री बड़े गंभीर मुद्दों पर मौन रहते हैं और मन की बात करते हैं, अपने मन की आखिर क्यों करते हैं और संसद में क्यों नहीं करते। फिलहाल वक्त एक ब्रेक। पांच महासागरों में तैरने वाले ये दुनिया की सबसे युवा तैराक है। देश की अकेली ओपन वाटर स्विमर जो अंटार्कटिका में फतह हासिल कर चुकी है। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित हो चुकी भक्ति शर्मा की सफलता मां की कड़ी मेहनत का नतीजा है। राजस्थान के उदयपुर में स्विमिंग पूल नहीं थे तो होटल में प्रैक्टिस कराई, क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा जुटाया और दुनिया ने जाना तो प्रधानमंत्री ने भी हौसला बढ़ाया। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण,
आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोज। देखिए मैं एक बात बताऊं बहुत ही गंभीरता के साथ, मैं किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं कर सकता हूं। देश के वो प्रधानमंत्री हैं, सबके हैं और बातें अच्छे करते हैं, सपना अच्छे दिखाते हैं, उम्मीद अच्छी जगाते हैं, करने की चाहत भी दिखाते हैं जी। लेकिन जो व्यवस्था है ना, सामाजिक व्यवस्था जिसका लेंथ रखा गया है नरेंद्र मोदी जी, जिस तरीके पिंजरे में है, छटपटाहट है और इस हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान को बनाने में आप किसी की भूमिका को कम नहीं कर सकते, नहीं, आप नहीं किस सकते। तरीके की छटपटाहट है, पूरी थंबिंग मेजोरिटी के साथ आप नहीं। मैं तो मैं देखिए कई बार मैं इस देश में कभी कभी जब राजनीतिक बातें आती है तो मैं लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, आज भी लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी इस हिंदुस्तान की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में प्रासंगिक ऊपर है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को एक बड़े वर्गों का, बड़े समूह का, समाज का राजनीति करने का मौका मिला, ठीक है, एक बड़े ऊंचे पदों पर जी। जो हिंदुस्तान जिस वर्ग और वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ है, जिस मनुवाद और पूंजीवाद के बीच हिंदुस्तान की सियासत, कहना चाह रहे कि वो डिजर्व नहीं करते या उनसे संभाला नहीं, नहीं जा रहा। मैं ये औरा बड़ा हो गया है, नहीं दायरा बड़ा हो गया, कैसे पहले वो मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री, ये कैसे कह सकता हूँ कि डिजर्व नहीं करते जी। मैंने पहले भी कहा आपको कि आज भी प्रासंगिक है, आज भी अटल जी का रेस्पेक्ट है, और नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं इतना जरूर कहूंगा कि बहुत उम्मीद उनसे इस देश के युवाओं ने, गरीबों ने किया था, ठीक है, और हम लोगों को भी एक उम्मीद थी। तो वो खरे उतरे कि नहीं उतरे? मुझे लगता है कि 2 साल के अंदर जी, यदि आप किसी भी तरह के विकास की गति देना चाहते हैं तो आपको वर्ग संघर्ष, वर्ण संघर्ष और जो ये धार्मिक उन्माद है, उससे बचना, ये जो कास्ट का जहर है, आज भी छटपटाहट है उन वर्गों को जो वर्ग बरसों से एक्सप्लॉइटेशन किया है। रोहित वेमुला का मामला होता है, उसके बाद दलितों के साथ उत्पीड़न होता है ऊना में, दादरी का मामला होता है, कश्मीर में बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद 50-60 नौजवान शहीद हो गए हैं। क्या प्रधानमंत्री हर एक मुद्दे पर देर से बोलते हैं, दूर से बोलते हैं? मेरे ख्याल से वो जिन मुद्दों पर बोलना चाहिए जी और जिन मुद्दों पर देश चाह रहा है कि एज अ प्रधानमंत्री, एज अ बीजेपी लीडर नहीं वो बोले, वो उस पर बोलते ही नहीं जी। और मैं ये बिल्कुल दरकिनार करूँगी कि इनको करने नहीं दिया जा रहा, ये बीजेपी का एजेंडा है। अच्छा। वो दिखा कुछ रहे हैं, इलेक्शन में दिखाया कुछ है, डेवलपमेंट की बात करके वो आए, लेकिन इनके पीछे आरएसएस जो हिंदू परिषद है वो है, जो बुहरान वाला मामला हुआ, अभी ऊना में मामला हुआ, आज दलित का डिस्कशन हुआ, आप 26 दिन के बाद तेलंगाना में जाकर बोलते हैं कि भाई दलित को नहीं मारो, मुझे गोली मार दो। तो काफी एमपीज कह रहे थे भाई अच्छा लगा कम से कम इतना बोला, लेकिन उसमें मुस्लिम भी जोड़ देते।
मुझे हंसी आ रही थी, मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूंगी कि वो किसी के लीडर नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है। और देश का प्रधानमंत्री इतना बेबस दिखे और सभा में बोले कि दलित को मत मारो, मुझे गोली मार दो, सबसे पहली बात तो ये दर्शाता है कि वो बहुत मजबूर है, बहुत कमजोर है और हालात उसके कंट्रोल से बाहर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह दलितों के घर जाके खाना खाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है संतों के साथ स्नान करते और कहते हैं कि वो दलित संतों के साथ स्नान कर रहे हैं। देखिए आजकल सारे पॉलिटिशियन, मैं किसी को वो नहीं, सब ठगते कि चाय एवरीवन और खाना खा लेना ये दलित का सोल्यूशन नहीं है, उनके उत्पीड़न किसी भी व्यवस्था का सोल्यूशन नहीं। अगर आपको जेन्युइनली करना है तो हम लोग, मेरे को आज मौका नहीं मिला तो मैं ये बोलने वाली थी कि अगर आप स्वच्छता के बारे कहते हो, एक तरफ आपको इंसान से प्यारी गाय लगती है, एक तरफ आप बोलते हो गाय मेरी माता है, माँ के समान है, लेकिन जब माँ मर जाती है तो अगर आपकी ओन मदर हो इंसान के रूप में तो क्या उसका संस्कार आप दलित से कराते हैं? लेकिन गाय को फेंक देते हैं और आप एक नया रास्ता आपने चुना है कि भाई वो मरी गाय को उठा रहे हैं तो वो दलित उनको खाने के लिए ले जा रहा है। तो इस तरह का जो प्रोपोगंडा अमित शाह हो या पीएम हो या इनका पूरा एजेंडा है, ये हर व्यक्ति के समझ से बाहर की चीजें होता चला जा रहा है। और जी पप्पू जी, सबका साथ सबका विकास, आप दलितों की चिंता करते हैं लेकिन जब खुद ये कहा जाता है रंगनाथ मिश्र कमेटी में कि देश के मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है, तो उसके विकास की बात, उसके उत्थान की बात, उसको मेन स्ट्रीम में लाने की बात, उसको हिस्सेदारी देने की बात क्यों नहीं की जाती? क्या वो देश का नागरिक नहीं? क्या वो वोट नहीं देता? जब पॉलिटिशियन ये समझ ले कि मैं झूठ के नींव पर ही इमारत बना सकता हूँ, जी मैं जितना ठगूंगा, जितना झूठ बोलूँगा, जितना फरेब करूँगा, खैरात पर ही हम वोट ले सकते हैं, बांट कर ही वोट ले सकते हैं, कास्ट और क्रीट को जहर बना के ही वोट ले सकते हैं, देश समाज और जात धर्म पर कभी खतरा नहीं होता। ठीक है, जब सत्ता और कुर्सी खतरे में होती है तो ये पॉलिटिशियन देश को, जात को, धर्म को, मजहब को खतरे में डाल देती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रंजीता जी हार्ले डेविडसन पे पहुंचती हैं संसद, क्या मंशा? मंशा ये थी कि सिर्फ पुरुष ही बाइक नहीं चलाते और हार्ले बहुत हैवी बाइक है, तो सिर्फ पुरुष ही उसको डोमिनेट नहीं करते और महिला चाहे तो कुछ भी कर सकती है और उसके साथ फ्रीडम कि महिला भी, खासकर इंडिया में ऊपर से पार्लियामेंट में कि एक महिला है अगर बाइक से जा रही है, मैं बचपन से चलाती रही तो एक मैसेज देना था। तो ये आइडिया आपका था, पप्पू यादव जी का था? ये आइडिया मेरा था, मैंने इनको बोला कि मैं लेके जाना, हम दोनों एक दूसरे को शेयर किए, हमारे बच्चे शेयर किए, आप जाओ बेटे से भी पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं, बेटी बेटा सबने शेयर किया। आज के राजनीतिक हालात, 5 राज्यों में करीब इलेक्शन बिल्कुल मुहाने पर, पार्टियों ने बिगुल बजा लिए, पूरी ताकत झोंकी हुई है, क्या देख रहे हैं? दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां, उनकी साख दांव पे लगी है। देखिए एक बात तो मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में जिस तरीके की राजनीतिक मिजाज है और एक व्यक्ति ने जिस तरीके से ठगा है, उम्मीदों को तोड़ा है, विश्वास ने ठगा, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अच्छा, सपना को, उम्मीदों को चूर किया, एनआरकी पैदा किया, ये इस हिंदुस्तान की राजनीतिक व्यवस्था के लिए चैलेंज। मुझे लगता है वह व्यक्ति, बहुत उम्मीद उससे थी और कम समय में जिस तरीके से वो दुनिया का खतरनाक पॉलिटिशियन के रूप में अपने को प्रस्तुत किया है, यह कहना मुझे एक संवैधानिक पद पर रहकर प्राइम मिनिस्टर मरवा देगा, हमेशा रोना, हमेशा अब पद पर विद्रोह, दिल्ली को 20 साल पीछे लेके चला, ये हम नहीं कह रहे, ये पूरी की पूरी व्यवस्था कह रही है। बीजेपी बदलने की बात करती है, वो यहाँ तक कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, पहले तो भ्रष्टाचार मुक्त की भारत की बात हो रही थी, अब कांग्रेस मुक्त भी भारत चाहिए। देखिए 2.5 साल हो गए तकरीबन होने वाले हैं और हर साल बजट में
और राष्ट्रपति अभिभाषण में पीएम की स्पीचेस चेंज हो रही हैं। स्टार्टअप आया, स्किल इंडिया आया, मेक इन इंडिया आया, जनधन योजना आई, अब मॉनिटरिंग कमेटी थी, अब दिशा कर दिया गया, राजीव गांधी विद्युत योजना को दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया, इंदिरा आवास को प्रधानमंत्री आवास कर दिया गया, ये डेवलपमेंट और विकास हुआ है। लेकिन जेन्युइनली क्या विकास और जितनी योजनाएं ये लेके आए, एक तो पुरानी जितनी कांग्रेस की ही दी हुई योजना है उसको आप इंप्लीमेंट नहीं करा पा रहे हो, जो आप कह रहे थे कि भ्रष्टाचार मुक्त हम भारत को बनाएंगे। अगर ये सिर्फ उसमें करप्शन को ही खत्म कर देते, जैसा आप 56 का सीना लेकर आए थे कि मैं 3 महीना में सब कुछ कर सकता हूँ। आप बुरहान की बात कर रहे थे तो आपको याद होगा कि एक बार जब वो सीएम थे तो उनका इंटरव्यू चल रहा था और पाकिस्तान सैनिकों के सिर कट गए थे हमारे आर्मी के, तो इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारी गवर्नमेंट तो चूड़ियाँ पहन के बैठी है, मैं होता तो मैं करके दिखाता। फिर आपको याद होगा बदले में 10 जाओ ना। 2 साल होने पे जश्न मनाया, उनके सारे बड़े भारत पर्व मना रहे हैं, पूरी तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से थंपिंग मेजोरिटी मिली, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि 15 साल तक कम से कम बीजेपी को सत्ता से कोई बाहर नहीं कर सकता। कहाँ चला गया मंदिर, ठीक है, कहाँ चला गया 370? पीडीपी को गाली देते थे, कहाँ चला गया कश्मीर इशू, कहाँ चला गया कश्मीरी पंडित इशू, ठीक है। आप ये सब चीजें जब आप देश के प्रधानमंत्री बने तो आपको समझ में आया ना कि हिंदुस्तान गुजरात नहीं था, हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, ठीक है, हिंदुस्तान सभी भाषा सभी धर्म। क्या ये सभी ये मान लिया जाए कि जो कयास लगाए जा रहे थे वो गलत थे और अब बीजेपी का वो ग्राफ गिरा है? देखिए मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, निश्चित तौर पर इस देश के लोग अमन पसंद है, ठीक है, इस देश के लोग जीना चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, संपूर्ण विकास चाहते हैं। आपको मैंने देखा कि आपके घर का असर आप पर भी ज्यादा है, इसलिए कांग्रेस से दोस्ती ज्यादा और बीजेपी से बैर ज्यादा दिख रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा कि नरेंद्र मोदी जिसे उम्मीद है, नरेंद्र मोदी से उम्मीद खत्म नहीं हुई है। 2 सालों में वो उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे, ठीक है, 2 सालों में विश्वास में कमी आई है, ठीक है। अब 2 साल मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों को कैसे देखते हैं? मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा हूँ, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बीजेपी अब मैं ये बस्तर बाबा, ये नागनाथ, सांपनाथ, जोगीनाथ, ये इन लोगों की बात नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक। ये मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो इस देश का प्रधानमंत्री है और जिससे इस देश के युवा को बहुत उम्मीदें थी, उम्मीदें थी और आज भी उम्मीद है। अच्छा जी, पप्पू जी आपका और रंजीत जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। तो ये दोनों सांसद जो अलग अलग पार्टियों से ज़रूर हैं, अलग अलग विचारधाराओं से ज़रूर है, लेकिन देश की चिंता इनको भी है और वो चिंता जाहिर भी करते हैं। देश में विकास तभी होगा जब शांति होगी, ऐसा कहना है। लेकिन अगले हफ्ते मैं फिर हाजिर हूँगा कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।